हे एवरीवन, बीजी कुजीन में आप सबका स्वागत है। ईट एंड एंजॉय। इस चॉकलेटी डिश को देख के आ रहा है ना मुंह में पानी, ये है फर्स्ट चॉकलेट ब्राउनी। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी तरीके से इसी चॉकलेटी डिश को ब्राउनी। चलिए बनाते हैं। आज हम बनाएंगे सभी की फेवरेट एक और चॉकलेटी डिश जिसका नाम है फज ब्राउनी या चॉकलेट ब्राउनी। तो चलिए बनाते हैं एक हेल्दी तरीके से चॉकलेट फज ब्राउनी। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम ये डार्क चॉकलेट है, थोड़े से कटे हुए बादाम, आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप दूध है ये। और इसको हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो हम बनाएंगे इसे गेहूं के आटे से, जो 1 कप है। चाहिए थोड़ा सा वनीला फ्लेवर एसेंस, बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और चाहिए हमें 100 ग्राम बटर। तो सबसे पहले हम पैन रख के फ्लेम ऑन करके बटर को मेल्ट करेंगे। इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और इस मेल्टेड बटर को हम डालेंगे डार्क चॉकलेट में। तो पहले इसको मेल्ट कर लेते हैं अच्छे से। बटर ये मेल्ट हो गया है तो अब हम इसको डालेंगे डार्क चॉकलेट में। इस तरह से, और इसको हम मेल्ट करेंगे। तो अब हम ये डार्क चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे बटर के साथ। इस तरह से अच्छे से लगातार मिक्स करते हुए एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। छन्नी लेंगे, हम डालेंगे हम इसमें आटा, गेहूं का आटा, पिसी हुई चीनी, और डालेंगे हम बेकिंग पाउडर आधा छोटी चम्मच, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से छानेंगे। तो ये हमने छान लिया है। सब चीज़ों को छान के अब ये अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ हम डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। थोड़ा सा दूध डालेंगे और एक बार सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। इसको हम एक ट्रे में बेकिंग मोल्ड में इसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिसको ग्रीस कर लिया हमने नीचे से। इस तरह से पूरा ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऊपर से हम गार्निश करेंगे आलमंड से। इस तरह से चंक्स में काटा है हमने आलमंड्स को, ताकि अच्छे से मुंह में जब बाइट लें तो उनका क्रंच आए। इस तरह से इसको हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है, जो कि अभी प्री हीट हो चुकी है। सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया था, नीचे नमक भी छा के। तब अच्छे से प्री हीट हो गई है, तो इसमें हम अपनी ये बेकिंग मोल्ड को रख देंगे और इसको 30 मिनट्स के लिए हम बेक होने देंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं, ब्राउनी बेक हो गई होगी, चेक कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट ब्राउनी बनी है, अच्छे से बेक हो गई है। इसको निकाल लेते हैं बाहर। वाओ, कितनी यम्मी लग रही है, एकदम परफेक्ट बेक हुई है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। इसको हमने प्लेट में सर्व कर लिया है, तो अब इसको पीसेस में कट करेंगे इस तरह से, स्क्वायर्स में काट लेंगे। तो ये हमारी ब्राउनी बनके एकदम रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कुछ हेल्दी चॉकलेटी डिश ज़रूर अपने घर में बनाएं। ईट एंड एन्जॉय।
इसी तरह की टेस्टी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें।